हेलो जी, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 9 में से टॉपिक ले रहे हैं, एंड टॉपिक इज सम नेचुरल फिनोमेनन ड्यू टू सनलाइट। तो मैं हूं दिनेश शर्मा, और आज आपके साथ इस लेक्चर के थ्रू मैं बात करने वाला हूं सनलाइट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो आज हम स्कैटरिंग के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे रेनबो की। व्हाट इज अ रेनबो, रेनबो बनता कैसे है, और रेनबो के डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम स्कैटरिंग से। स्कैटरिंग, तो जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर में से ट्रेवल कर रही है, से दिस इज सम बीम ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज ट्रेवलिंग थ्रू एटमॉस्फेयर, और रास्ते में एयर मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्शन करेगा, और देखने वालों को जिस तरफ से आ रहा था उसकी बजाय किसी और दिशा से आता हुआ लगे, तो हम कहेंगे यहां पर स्कैटरिंग हुआ है। स्कैटरिंग कैसी हुई है उसकी बात बाद में करेंगे, स्कैटरिंग के टाइप्स क्या हैं उसकी बात भी बाद में करेंगे। सो दिस प्रोसेस इन विच सनलाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू द इंट्रैक्शन विद सम पार्टिकल्स ऑन इट्स वे, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। और ये स्कैटरिंग का जो प्रोसेस होता है इतना सिंपल नहीं है। असल में होता क्या है, स्कैटरिंग इनफैक्ट टू स्टेप प्रोसेस, दिस इज टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जो एनर्जी आ रही है इसको ये मॉलिक्यूल, जो एयर का मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, चाहे डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये वाटर का ड्रॉपलेट हो सकता है, तो ये जो पार्टिकल है ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन, राइट। और जब इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको री एमिट भी करना पड़ेगा, यानी एनर्जी ली, एब्जॉर्ब की, एंड देन फिर री एमिट भी करना है। तो उसका जो रेडिएशन करना है, फिर से जो री एमिशन हो रहा है इसका, री एमिट दैट एनर्जी, यदि दोनों प्रोसेस होंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज स्कैटरिंग। सो व्हाट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस इन विच द पाथ ऑफ सनलाइट इज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विद सम पार्टिकल ऑन इट्स वे, एंड दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। नंबर वन, द पार्टिकल, जिसको हम कहेंगे स्कैटरर पार्टिकल है, ये स्कैटर करने वाला पार्टिकल है, दिस इज स्कैटरर। तो दिस स्कैटरर पार्टिकल विल फर्स्ट एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, एंड देन इट विल री एमिट द एनर्जी, देन हम कहेंगे कि स्कैटरिंग हुई है। लेकिन ये पूरा काम ना हो, आधा ही काम हो, तो अधूरे काम में क्या होगा कि एनर्जी आ रही है और जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो किया लेकिन एमिट नहीं किया। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तब इसे स्कैटरिंग नहीं कहेंगे। तो स्कैटरिंग में एब्जॉर्प्शन के बाद री एमिशन का होना बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज स्कैटरिंग। और यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे दो चीजों का, स्कैटरिंग की टाइप्स को डिफाइन करने के लिए। नंबर वन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना है, और जो पार्टिकल है जिसके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है उसका साइज क्या है। तो उसके साइज को चलो हम स्मॉल ए से लिख देते हैं। सो दिस इज द साइज एंड दिस इज द वेवलेंथ। अब हम इन दोनों के कंपैरिजन से स्कैटरिंग की टाइप्स को डिफाइन करेंगे। दो है पॉसिबिलिटीज यहां पर। नंबर वन इज दैट वेवलेंथ इज मच लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, तो क्या होगा। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, केस नंबर टू कैन बी देयर, दैट वेवलेंथ इज मच मच लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। जैसे वाटर ड्रॉपलेट से मान लीजिए, हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये, राइट। तो इस केस में उसका साइज काफी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। लेकिन हम यदि एयर के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनका साइज इज मच लेस एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो वो एक केस वो हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में स्कैटरिंग के टाइप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हाँ, यदि दोनों केसेस में हमारी कंडीशन मीट होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद रीएमिशन होता है, तो स्कैटरिंग कहा जाएगा। लेकिन टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग यदि कहनी है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। केस नंबर वन इज व्हेन द वेवलेंथ इज मच मच मोर एज कंपेयर टू साइज ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज स्कैटरिंग द सनलाइट, इन दैट केस दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग, राइट। दिस इज इलास्टिक स्कैटरिंग। सो व्हाट इज इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग साइज ऑफ द पार्टिकल इज मच मच लेस एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस तरह की स्कैटरिंग में क्या होगा कि जब लाइट आएगी और ये इस मॉलिक्यूल के साथ इंट्रेक्शन कर रही है, इस मॉलिक्यूल ने इसको वापस रीएमिट भी कर दिया किसी और डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहां पर
पार्टिकल और लाइट का आपस में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, क्या कहते हैं, एक्सचेंज नहीं हुआ, यानी इसकी वजह से इसने ना तो एनर्जी गेन की ना लूज की, जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी आगे रीएमिट कर दी. देर इज नो लॉस और गेन इन द एनर्जी, दैट इज हम यहां पे कहेंगे देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट. तो इस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती है, जितनी एनर्जी आई उतनी ही आगे दे दी. सच स्कैटरिंग वॉज आइडेंटिफाइड बाय वन साइंटिस्ट हुज नेम इज रेले. तो रेले ने इस स्कैटरिंग को आइडेंटिफाई किया था, उसी के नाम पे हम एक लॉ लिखते हैं, एंड दिस लॉ इज रेलेज स्कैटरिंग फॉर्मूला और रेलेज स्कैटरिंग लॉ. ये लॉ क्या होता है, तो कंडीशन तो क्लियर हो गया. इलास्टिक स्कैटरिंग कब होगा, व्हेन द वेवलेंथ इज मच मच मोर एज कम्पेयर टू साइज ऑफ दिस पार्टिकल. तो रेलेज स्कैटरिंग लॉ और स्कैटरिंग फॉर्मूला क्या है, दिस सेज दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. देखिए यहां से जो लाइट आ रही है, दिस लाइट इज इंसिडेंट लाइट, राइट. आगे ये एयर का मॉलिक्यूल है, दिस इज एयर मॉलिक्यूल. ये स्कैटरिंग पार्टिकल जिसका साइज ए है, इसका वेवलेंथ लेमडा है, और यहां से जब लाइट डेविएट होकर कहीं और जा रही है, दिस इज कॉल्ड अवर स्कैटर्ड लाइट. ये स्कैटर्ड लाइट है, राइट. तो इस स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना है, दैट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लेमडा. दैट मीन जितना लेमडा ज्यादा होगा उतना ही स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, एंड वाइस वर्सा. तो हम यहाँ पे दो कलर्स की बात करते हैं, रेड की और वायलेट की. वायलेट एंड रेड आर द एक्सट्रीम कलर्स ऑफ वन स्पेक्ट्रम. सो वायलेट कलर का क्योंकि कम वेवलेंथ है, तो कम वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगा, यानी वायलेट कलर स्कैटर मोर. लेकिन रेड कलर का क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए रेड कलर विल स्कैटर लेस, इसका इंटेंसिटी कम होगा एज पर रेले स्कैटरिंग लॉ. आई होप रेले स्कैटरिंग लॉ इज क्लियर टू यू. रेले का स्कैटरिंग लॉ तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटरर इज साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज मच मच लेस एज कम्पेयर टू वेवलेंथ. हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स, खूब बड़े बड़े ड्रॉपलेट भर रखे हैं, डस्ट पार्टिकल है बड़े बड़े से, कोई पॉल्यूटेंट्स हैं, और वहां पर उनके साथ जब लाइट टकराएगी तो क्या यहां पर भी रेले स्कैटरिंग लॉ एप्लीकेबल होगा. तो आंसर इज नो, क्योंकि रेले स्कैटरिंग लॉ होने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए लेमडा ज्यादा होना चाहिए ए के कंपेरिजन में. लेकिन वाटर का ड्रॉपलेट बड़े साइज का है और लेमडा कम है, लेमडा इज लेस एज कम्पेयर टू ए, इन दैट केस स्कैटरिंग तो होगी, लेकिन इस तरह की स्कैटरिंग रेले के स्कैटरिंग के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं होगी. यानी यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंडीशन फेल हो जाएगी, दैट मीन वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा. तो हो सकता है कि जो लाइट स्कैटर्ड लाइट है ना, सो वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तो मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लेमडा है एंड पार्टिकल इज ऑफ मच लार्ज साइज, राइट, दिस इज ए वॉटर ड्रॉपलेट, इसका साइज ए है, तो यहां पर ए इज मच लार्ज एज कम्पेयर टू लेमडा. इन दैट केस जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी. तो इस तरह की स्कैटरिंग का नाम होगा दिस इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग. और यहां पर हमने क्या देखा कि स्कैटर पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम देन दैट ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ, राइट. हम इस चीज को इसी रेफरेंस में इन दोनों को फिर से कंपेयर करें, इलास्टिक को और इन इलास्टिक को. इलास्टिक में क्या हुआ था, देयर वाज सनलाइट और ये एयर मॉलिक्यूल था जिसका साइज हमने कहा इज लेस देन द वेवलेंथ. तो वहां पे जो लाइट स्कैटर हुई थी वो कौन सी थी, यदि ब्लू आई थी, ब्लू लाइट वाज देयर, तो ब्लू लाइट ही स्कैटर हुई थी. यदि रेड लाइट स्कैटर हुई है तो वेवलेंथ उसका चेंज नहीं हुआ, जो उसका वेवलेंथ पहले था रेड लाइट का वही बात पे रहा. क्योंकि स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं सेवन कलर्स होते हैं विबग्योर, तो लाइट इज कंप्राइजिंग ऑफ सेवन कलर्स, राइट. लेकिन जो भी कलर स्कैटर होगा उसका वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा है. लेकिन यहां पर स्कैटर्ड वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ लेमडा. यहां पर लेमडा भी चेंज होता है, वेवलेंथ में चेंज आता है. तो यहां पर वेवलेंथ में चेंज आता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो रामन इफेक्ट आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है. रामन स्कैटरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग. समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, समुद्र का पानी का रंग ऐसा गहरा क्यों दिखता है, ड्यू टू रामन स्कैटरिंग. रामन स्कैटरिंग के अलावा एक और स्कैटरिंग है, एक और इफेक्ट है,
विच इज कॉल्ड कॉम्प्टन इफेक्ट. तो कॉम्प्टन इफेक्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग. आज हमने तीन महान वैज्ञानिकों के नाम लिए जिनके कारण, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण हम स्कैटरिंग को इजिली समझ पाए. तो वन नेम वॉज रेले. रेलेज स्कैटरिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग इज ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, राइट. हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ढूंढेंगे, अभी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे नेचर में जो रेले स्कैटरिंग जिसको एक्सप्लेन करेगी. लेकिन साथ में ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो ये वाला स्कैटरिंग एक्सप्लेन ना कर पाए, तो वहां बात की जाएगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग की. तो रेले के बाद हमने दो और नाम डिस्कस किए जिनके माध्यम से हमने स्कैटरिंग को इतनी आसानी से समझा, एंड दोज नेम्स आर डॉक्टर सी वी रामन. तो रामन स्कैटरिंग एंड कॉम्प्टन इफेक्ट. तो मिस्टर कॉम्प्टन, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेले स्कैटरिंग और रामन स्कैटरिंग? हम इसको इजिली समझ पाते हैं साइज ऑफ स्कैटर के हिसाब से. बाकी इसमें डिटेल्स और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इतना काफी है. अब हम नेचर से या अपने आसपास से सराउंडिंग से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे जिनको हम स्कैटरिंग की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाए. सो इन एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड. इसका कारण क्या हो सकता है? सो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रेले स्कैटरिंग. वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4. That means more the wavelength, less is the intensity of the scattered light. So because the red light has more wavelength, so it scatters less. That means it can travel up to long distances without any appreciable loss in its strength, in its intensity. तो red light अपने आप को एक लंबे time तक retain कर सकती है, इसकी scattering कम होगी, इसीलिए हम इसको use करेंगे. मान लीजिए red की जगह हम violet color use करते हैं danger signals में, तो क्या होता? तो डेंजर सिग्नल से वायलेट लाइट हम तक आ रही है, या ब्लू लाइट मान लीजिए हम तक आ रही है, तो क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा, तो वो ज्यादा बिखर जाएगी, ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, तो हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं पाएगी. दैट मीन हम उस डेंजर सिग्नल को गैस ही नहीं कर पाएंगे, उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा हुआ फिर? तो व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड, ताकि खतरे का जो इशारा है वो देखने वाले की नजर तक पहुंच भी जाए, राइट. सो ही और शी कुड बी एबल टू सी कि यहां डेंजर है. तो लाइट ऐसी होनी चाहिए जिसका स्कैटरिंग ना हो सके या कम स्कैटरिंग हो, राइट. तो रेड या इसके नेवरिंग कलर्स को हम यूज कर सकते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए. वन मोर क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाई द स्काई इज ब्लू. तो स्काई ब्लू क्यों है? और स्काई में भी ब्लू में बहुत सारी वैरायटीज हैं, है ना. आप देखते हैं कि स्काई के डिफरेंट कलर्स हैं. आप सोचिए कि कभी बारिश होने वाली है, उससे जो पिछला मौसम जो होता है, जो ह्यूमिड स्काई होता है, उसका कलर कैसा होता है? बारिश होके हटती है, उसके नेक्स्ट डे स्काई देखिए कैसा होता है, उसका कलर डीप ब्लू होता है. वो क्यों होता है? और नॉर्मली स्काई का कलर कैसा होता है, लेकिन हम उसको ब्लू कलर से लिंक कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमिड स्काई का है, चाहे वो एक क्लियर स्काई का है, चाहे वो एक नॉर्मल सा स्काई, जो मिक्स स्काई वहां की बात करते हैं. सो व्हाई द स्काई इज ब्लू, इसको भी हम स्कैटरिंग की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्काई इज ब्लू, तो रीजन कैन बी स्कैटरिंग. और कौन सा स्कैटरिंग? इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करेंगे यहां पर हम, कि रेले के इलास्टिक स्कैटरिंग फार्मूला से इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग और स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ^4. एंड बिकॉज ब्लू लाइट हैज लेस वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4×10⁻¹⁷ मीटर, सो व्हाट हैपेंस? इट स्कैटर्स मोर. तो लाइट आ रही है और स्कैटर हो रही है, क्योंकि लाइट के रास्ते में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो आ ही रहे हैं. एयर मॉलिक्यूल नहीं होते तो फिर क्या होता? फिर लाइट स्कैटर नहीं होती. लेकिन लाइट के रास्ते में क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो लाइट स्कैटर हो रही है. और जब लाइट स्कैटर हो रही है, तो इसका कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है? जिसका कम वेवलेंथ है. और किसका है कम वेवलेंथ? ब्लू कलर. वायलेट की बात कर रहा हूं वैसे मैं, दिस इज वायलेट, राइट. तो वायलेट कलर हैज लेस वेवलेंथ, राइट, सो इट शुड स्कैटर मोर. और स्कैटर करता है ये, लेकिन हमारी जो आई है, दिस इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, तो ये ब्लू को रिसीव करती है. अदरवाइज सभी जो ये लो वेवलेंथ वाले हैं, इनका स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है. पर हम किसको देख पाएंगे? जिसको हम देखने में सक्षम हैं, जिसका प्रति हम सेंसिटिव भी हैं. तो ब्लू कलर के प्रति हम सेंसिटिव हैं, इसलिए वी आर एबल टू सी ब्लू कलर. तो लेमडा कम होने की वजह से स्कैटरिंग ज्यादा होगा. तो लाइट आ रही है, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है. स्कैटर हो रहा है माने बिखर रहा है वो, और बिखर रहा है तो हमारी आंख तक पहुंच रहा है. नहीं बिखरता तो हमारी आंख तक नहीं पहुंचता. तो
तो कलर वो बिखर रहा है पार्टिकल से टकराकर। जब वो लाइट आ रही है वो पार्टिकल जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको रीएमिट कर रहे हैं, रास्ता बदल के हमारी तरफ भेज रहे हैं और हम उस नीले रंग को देख पा रहे हैं, दैट इज व्हाई स्काई इज ब्लू। लेकिन यदि मान लीजिए स्काई में पार्टिकल का साइज चेंज होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई स्टॉर्मी सा वेदर है या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ना, रेनी सीजन, तब क्या होता है? तो उस केस में जो स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है, और जब साइज बड़ा हो जाता है तो उस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसका वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ के मुकाबले में डिफरेंट होगा। तो यहां पर रेले स्कैटरिंग की बात नहीं की जाएगी, इज इट? तो यहां जो स्काई हमें डीप ब्लू दिख रहा है दैट मीन्स यहां पर थोड़ा सा कोई और कलर्स भी मिक्स्ड हैं, प्योर जो हमने स्पेक्ट्रम के कलर्स पढ़े उसके पड़ोसी कलर्स और भी हैं, हल्की सी चेंजेस हुई हैं वहां पर वेवलेंथ में, दैट इज वाई दैट कलर डिफर्स, राइट? लेकिन स्काई में हमेशा हमें ब्लू कलर ही दिखता है ऐसा भी नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग में स्पेशली जो सन होता है ना उसके सराउंडिंग पार्ट में हमें एक ऑरेंज या रेडिश कलर भी दिखता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रेडिश ह्यू अराउंड द सन in morning and evening? So what is the reason for reddish sun in mornings and evening? Right? In morning and evening sun is near the horizon. तो उस केस में हमें सन के आसपास रेड कलर क्यों दिखता है? And not only sun के आसपास, moon के आसपास भी आपको ये reddish hue दिखता है। पूर्णमासी के दिन जब ईस्ट से मून निकलता है तो उसके आसपास भी आपको एक रेडिश सा कलर दिख जाता है। उसका रीजन क्या है? तो मान लीजिए ये अर्थ है, राइट? और अर्थ के सराउंडिंग पार्ट में देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, देयर इज एटमॉस्फेयर इसके सराउंडिंग पार्ट में है, और लगभग 20 किलोमीटर तक आप इसका थिकनेस को अच्छा फील कर सकते हैं। उसके ऊपर वो थोड़ा थिन हो जाता है एटमॉस्फेयर। लेकिन हम बात करें थी सन की पोजीशन की, मैं सन रेज अर्थ पे फॉल कैसे कर रही है। ये नून का टाइम है जहां पर सन रेज दे हैव टू ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, दे हैव टू कवर अ लेस डिस्टेंस टू रीच अर्थ। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इवनिंग में या मॉर्निंग में तो क्या होता है, सन रेज को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। व्हाट यू कैन सी एटमोस्फेयर में ये डिस्टेंस काफी कम है, लेकिन यहां पर एटमोस्फेयर में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा, जब सनलाइट यहां पहुंची इस जगह पे तो उसमें सभी कलर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर से आगे क्रॉस कर रही है तो लेस वेवलेंथ वाले कलर स्कैटर हो रहे हैं, यानी वायलेट निकल गया, ब्लू निकल गया, है ना, सारे वो विबग्योर की बात करते हैं ना। तो विबग्योर में आप क्या देखेंगे कि शुरुआती कलर्स जिनका लेस वेवलेंथ है वो सारे के सारे स्कैटर हो जाते हैं, एंड फाइनली आपकी आंख तक कौन से कलर पहुंचेंगे, ये जो ज्यादा वेवलेंथ वाले कलर्स हैं रेड या इसके नेबरिंग कलर्स रेड ऑरेंज, ये आप तक पहुंचते हैं। दैट इज वाई जब आप मॉर्निंग में इवनिंग में सन को देखते हैं देन इट अपीयर्स टू बी रेडिश। इसका साइज भी बड़ा होता है लेकिन उसका कारण स्कैटरिंग नहीं है, साइज के बड़े होने के कारण रिफ्रैक्शन है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर स्कैटरिंग के कारण सन रेडिश दिखता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, राइट? और नून में इसको क्योंकि लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो हम तक कलर पहुंच जाते हैं, है ना, जो लो वेवलेंथ कलर्स हैं वो भी हम तक पहुंच पा रहे हैं, दैट इज वाई हमें सन यहां पर रेडिश नहीं दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेचर में जो कलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो कलर रिलेटेड प्रोसेस है उनको हम स्कैटरिंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ऐसा ही एक और ऑब्जर्वेशन है कि वाई द क्लाउड्स आर वाइट इन कलर, इसका रीजन क्या हो सकता है, स्कैटरिंग के बेस पे से कैसे एक्सप्लेन करें। क्लाउडी वेदर में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स का या डस्ट पार्टिकल का या इवन आइस पार्टिकल का जो साइज होगा दैट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू वेवलेंथ। सो ए इज हेयर मच मच लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ, दैट मीन यहां स्कैटरिंग तो होगी लेकिन वो रेले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग नहीं होगी, कंडीशन डिफरेंट होगी यहां पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहां पे स्कैटरिंग होगी वो कैसी होगी, दैट स्कैटरिंग विल बी इन इलास्टिक, पहली बात तो ये हुई। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में डिफरेंट वेवलेंथ यहां एमिट की जाएंगी, यानी वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव्स एंड द स्कैटर्ड वेव्स विल बी डिफरेंट, वो सेम नहीं होगा। लेकिन साथ में दूसरी बात कि बहुत सारी वेवलेंथ एमिट हो रही है, तो वेवलेंथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज दे आर गेटिंग स्कैटर फ्रॉम हेयर, तो एज ए होल हमें व्हाइट कलर दिख जाता है फिर। दैट मीन व्हेन यू आर वॉचिंग ऑल द वेवलेंथ साइमल्टेनियसली तो आपको व्हाइट कलर ही दिखेगा। सो क्लाउड्स आर व्हाइट इन कलर, इज इट क्लियर? तो अपने आसपास को आप ऑब्जर्व करते रहिए और देखिए कि कोई विलेज है जहां पर क्लीन एयर है,
वहां के स्काई का कलर कैसा है, या जहां पर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे स्काई का कलर कैसा है, क्लीन एयर वाले स्काई में पार्टिकल्स का साइज कितना होगा और वहां पे कौन सा स्कैटरिंग होगा, और जहां पे पॉल्यूटेंट्स होंगे उन जगहों पे पार्टिकल का साइज कैसा होगा और वहां पे स्कैटरिंग कौन सा होगा। आई होप आप इन चीजों को आप ढंग से रिलेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको वहां पर रेले स्कैटरिंग लॉ का जिक्र करना चाहिए, राइट, कि वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो वहां पे पार्टिकल के साइज की बात करिए, उसके वेवलेंथ के साथ कंपैरिजन की बात करिए, और फिर वहां से दिखाइए कि ये कौन सी तरह की स्कैटरिंग है और स्काई नीला क्यों है, मॉर्निंग इवनिंग में ह्यू रेडिश क्यों होता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों है ना, डीप ब्लू कलर क्यों होता है क्लियर स्काई का, गांव में स्काई का कलर डिफरेंट क्यों है, जहां पे कोई पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पे स्काई का कलर डिफरेंट क्यों है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। स्काई का कलर भी नीला होता है और सी का कलर भी नीला होता है, लेकिन स्काई के कलर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रेले स्कैटरिंग से, लेकिन सी के ब्लू कलर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रामन स्कैटरिंग से। सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल पार्टिकल के साइज का है। आई होप आइडिया इज क्लियर टू यू। एंड नाउ आफ्टर स्कैटरिंग वी विल स्टडी अबाउट वन वेरी स्पेक्टेकुलर फिनोमिनन नेचर, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष। आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा और हल्का सा आइडिया भी होगा, लेकिन आज हम रेनबो को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करेंगे। एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन से हम आज रेनबो की बात करने वाले हैं। हालांकि कुछ बोर्ड्स ने रेनबो को सिलेबस से काटा हुआ है इस साल, लेकिन रेनबो को समझना अपने आप में एक बहुत ही यूजफुल थिंग है, और बहुत जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप रेनबो के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसलिए रेनबो के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। और रेनबो अपने आप में इसलिए भी खूबसूरत है कि दिस इज अ फ्यूजन ऑफ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कॉन्सेप्ट इन ऑप्टिक्स। आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, आप रिफ्रेक्शन पढ़ चुके हैं, आप डिस्पर्शन पढ़ चुके हैं, आप TIR पढ़ चुके हैं, इन सब बातों का फ्यूजन होगा रेनबो के अंदर। रेनबो देखने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सन शुड बी ऑन योर बैक साइड, और जो स्क्रीन है, जो स्काई है जहां बारिश हो रही है उसके कारण जो रेनबो बनेगा, दैट शुड बी इन योर फ्रंट, राइट। तो सन आपके बैक में होना चाहिए और रेनबो को अपने फ्रंट में देखेंगे आप। सो इफ फॉर ए रेनी डे यू स्टैंड विद योर बैक टुवर्ड्स सन, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन सी द रेनबो। रेनबो कैसे दिखता है और रेनबो के टाइप्स क्या होते हैं, आज उनकी बात भी की जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे रेनबो में, दिस इज वन वाटर ड्रॉप, राइट। और इस वाटर ड्रॉप के ऊपर जब भी सन लाइट आ रही है, वो सनलाइट कैसे आ रही है, मानिए दिस इज सनलाइट, तो क्या होगा? जब भी वो सनलाइट इस रेन ड्रॉप में एंटर करेगी, इनफैक्ट जो रेनबो दिखता है ना आपको, उसके लिए एक ड्रॉप नहीं होती रिस्पॉन्सिबल। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने बेसिक क्लासेस में डिस्कशन को काफी सिंपल कर दिया था। हमने कहा था कि रेन ड्रॉप्स दे एक्ट एज प्रिज्म्स, और जैसे सनलाइट आती है तो वो यहां से डिस्पर्शन होता है उसका, और वो सेवन कलर्स का एक बैंड बन जाता है, वो रेनबो हो जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होगा। ये उस टाइम हमें लिमिटेड से टॉपिक की समझ थी, अब हम हर चीज जानते हैं। तो सन रे इज कमिंग टुवर्ड्स दिस रेन ड्रॉप। और दूसरी बात मैं आपसे क्या कह रहा था कि रेनबो दिखता है ना आपको जो, उसके लिए एक ही ड्रॉप रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। तो आपको जो एक सुंदर सा रेनबो दिख रहा है उसमें एक ड्रॉप की बजाय बहुत सारे ड्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन है, हम उस बात को भी समझेंगे आज। सो दिस इज वन रे ऑफ व्हाइट लाइट, सनलाइट आ रही है। तो जब ये सनलाइट, जब ये सन रे इस वाटर की ड्रॉप में एंटर करेगी, तो इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो मीडियम में चेंज हुआ तो यहां पर रिफ्रेक्शन होगा। लेकिन जब रिफ्रेक्शन होगा तो क्योंकि व्हाइट लाइट इज कंप्राइजिंग ऑफ सेवन कलर्स, तो हर रे अपने अपने ढंग से रिफ्रेक्ट होगी, तो सभी का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए रिफ्रेक्शन के साथ साथ यहां पर डिस्पर्शन भी हो जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर? नंबर वन रिफ्रेक्शन हुआ, और इंडिविजुअल कलर्स का रिफ्रेक्शन होने की वजह से सभी का डेविएशन डिफरेंट हुआ, तो यहां डिस्पर्शन भी हुआ। तो मैं एक्सट्रीम कलर शो कर रहा हूं मैं, तो मान लेते हैं कि ये हुआ एक कलर और ये हुआ दूसरा कलर, ये हमने एक्सट्रीम कलर शो किए। यहां पर स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, और कौन सा वायलेट है कौन सा रेड है ध्यान से जरा, व्हाइट लाइट आई जिसका डेविएशन सबसे कम हुआ वो कौन सी है, वो रेड कलर है। रेड कलर का क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है इसका डेविएशन कम होगा, और जिसका डेविएशन ज्यादा होगा वो वायलेट कलर है, राइट। और यहां पर जब ये स्ट्राइक करेगी तो हमें देखना पड़ना कि जो एंगल है ये एंगल कितने हैं।
सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, यहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इफ दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल आई सी, जिस केस में 48 डिग्री है, तो क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब रिकॉल करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द रे ऑफ लाइट वॉज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जैसे वॉटर यहां पे है और एयर यहां पे है, दिस इज से वॉटर एंड दिस इज एयर. तो क्या होता है व्हेन रे इज गोइंग लाइक दिस, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई यहां पर कम होगा, आर यहां ज्यादा होगा, क्योंकि रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आर यहां पर ज्यादा होगा, थोड़ा आई बढ़ेगा. तो नेक्स्ट केस में आप थोड़ा आई को बढ़ा हुआ शो कर दो, राइट. तो आई जब बढ़ेगा तो ये आर और बढ़ जाएगा, यानी और डाउन जाएगा, तो हो सकता है कि ये इसके अलोंग चला जाए एक केस के लिए. इस केस में जो आई होता है उसका नाम होता है क्रिटिकल एंगल. और जब आई को और बढ़ाएंगे आप, व्हेन आई इज इवन मोर देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज क्रिटिकल एंगल, तो रे और नीचे जाएगी, तो ये ऐसे चली जाती है. तो यहां पर आई इज मोर देन आई सी, तो इस केस में रे कम्स बैक टू सेम मीडियम. इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको याद होगा. तो फिर से बात की यहां पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, ये रे बाहर जाने के बजाय वापिस अंदर ही आ जाएगी, और ये कुछ इधर पहुंच जाएगी, और ये मान लीजिए यहां चली गई, राइट. इज इट क्लियर? तो रेड वाली कौन सी हुई, दिस इज अवर रेड एंड दिस इज द वायलेट, और इन पोजीशन पे एंगल इज नॉट मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां रे बाहर आएगी. लेकिन बाहर कैसी आएगी, आप देखिए, ये है इनके नॉर्मल एंड नाउ द रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये वाटर था ना, दिस इज वाटर, तो रे इज कमिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा इधर और ये भी थोड़ा सा इधर ऐसे चला जाएगा. सो दिस इज अवर रेड एंड दिस इज अ वायलेट, तो आपको यहाँ पे वायलेट दिख रहा है, यहाँ रेड दिख रहा है, बाकी सारे कलर्स बीच में हैं, और यहाँ पे वायलेट में और रेड कलर में कितना डेविएशन हुआ उसकी बात की जाए, तो व्हाट यू कैन सी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नियरली 40 डिग्री, और जो रेड कलर का एंगल है दिस इज नियरली 42 डिग्री, तो डेविएशन कितना हुआ. अब देखिए, यदि ड्रॉप नहीं होती तो ये जा रही होती रे कुछ इस पाथ पे, ड्रॉप के होने से ये वायलेट है, ये कुछ देखिए, इसी को मैं एक्सटेंड करूं तो इस एंगल पे आ रहा है ये. सो दिस एंगल इज, मैंने कहा 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, तो ये 140 डिग्री से डेविएट हो गई, तो आपकी आईज में ये 40 पे पहुंच रही है, राइट. और इसी तरह से जो रेड था, मैं इसको जरा एक्सटेंड करता हूं, तो रेड कलर जो था ना, ये हुआ एंगल कितने का. सो एज इट इज 42 डिग्री, तो दिस इज 42 डिग्री, सो दिस एंगल इज 138 डिग्री, ये जो एंगल है ना, ये वाला दिस एंगल इज 138 डिग्री, तो रेड कलर डेविएट हुआ 138 डिग्री से, रेड कलर का डेविएशन कम हुआ और वायलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ, दैट इज वाई ये 40 हुआ और ये 42 डिग्री हुआ, ये आपकी आंख तक जो रंग पहुंच रहे हैं. अगर से कि वायलेट का डेविएशन 40 हुआ, रेड का 42 हुआ, नो, ये आपकी आंख में किस एंगल पर ये कलर पहुंच रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है. यदि ये वाला वायलेट है, इफ इट इज रीचिंग एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, देखिए 40, तो रेड कलर इज रीचिंग एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री. तो यदि हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात करें, तो यहां पर पहले रिफ्रेक्शन हुआ, राइट, रिफ्रेक्शन के साथ ही यहां पर डिस्पर्शन हुआ, राइट, उसके बाद यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर से यहां रिफ्रेक्शन हुआ. कैन यू सी हियर, तीन प्रोसेस यहां पर मेनली हुए, रिफ्रेक्शन, TIR और फिर से रिफ्रेक्शन. तो जो रेनबो बना, इस रेनबो का नाम होता है प्राइमरी रेनबो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो. तो ये तो प्राइमरी रेनबो को हमने सिंगल ड्रॉप की हेल्प से दिखाया. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द रेनबोज आर ऑफ टू टाइप्स, सो नंबर वन इज प्राइमरी रेनबो एंड नंबर टू इज सेकेंडरी रेनबो. तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रेनबो की. तो प्राइमरी रेनबो में किस तरह से प्रोसेस होते देख लिया, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से जरा, आंख यहां किसी और की है और यहां आंख किसी और की है, इतने लंबे स्पैन पे एक आंख नहीं हो सकती, तो ये रे यहां नहीं पहुंच रही है. दैट मीन्स वायलेट कलर किसी एक आंख में जा रहा है और रेड कलर किसी दूसरी आंख में जा रहा है. तो आप ऐसा मत समझिएगा कि प्राइमरी रेनबो में वायलेट कलर ऊपर होता है, रेड नीचे होता है,
ये कुछ और ही तरह की कहानी बनेंगी, तो ये पिक्चर अधूरी है अभी, तो हमें इस डायग्राम को सप्लीमेंट करना पड़ेगा एक और डायग्राम के साथ, एंड दैट डायग्राम विल इंक्लूड टू ड्रॉप्स, और दोनों ड्रॉप से अलग अलग ये रेज कैसे आ रही हैं, अलग अलग कलर्स कैसे आ रहे हैं, और फिर रेनबो बनेगा। अभी रेनबो बना नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने प्रोसेस को शो किया है सिंगल ड्रॉप के अंदर, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल रेनबो बनता कैसे है। इसी डिस्कशन को हम दो ड्रॉप के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज हाउ द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड। हमने इसके लिए एक ड्रॉप और एक और ड्रॉप साथ में बना ली, राइट। इन दोनों को यूज करके हम दिखाएंगे कि हाउ इट इज फॉर्म्ड। पहले कोई रे ऐसे लेके आते हैं, दिस इज वन रे, राइट, एंड दिस इज से सम अनदर रे। तो सनलाइट आ रही है, ये पैरेलल है, तो एक ड्रॉप हम यहां शो कर रहे हैं, यहां शो कर रहे हैं। पहले मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या होगा, यहां देखिए ये सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा ये डेविएट होगी, और ये टी आई आर यहां पर होगा, और फिर से यहां पर, एंड देन इट विल कम लाइक दिस, इज इट। तो ये हमने फर्स्ट की बात कर दी, लेकिन हमने यहां पर डिस्पर्शन शो नहीं किया। आप जब ये रिफ्लेक्शन दिखाएंगे फाइनल स्टेज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो आप यहां पर बता दीजिए कि दिस इज से वन एंड दिस इज सेकंड। तो ये हमने रिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो यहां पर डेविएशन कम किसका हुआ, ज्यादा किसका हुआ, तो ये हो गई हमारी रेड और ये होगी वायलेट। इज इट क्लियर? यहां देख लीजिए, रेड ये है और वायलेट ये है, फर्स्ट डायग्राम हमने ये बता दिया। तो सेम प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है सेकंड ड्रॉप में भी। सेकंड ड्रॉप में रे ऑफ लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, हाथ में डिस्पर्शन भी हो रहा है, और डिस्पर्शन के कारण हम सिर्फ एक ही रे को शो कर रहे हैं कुछ इस तरह से, एंड दिस इज कमिंग लाइक दिस, राइट। और ये और साथ में एक ये भी जी, राइट। तो ये वाली कौन सी हुई, दिस इज अगेन रेड एंड दिस इज अगेन वायलेट। वेयर इज ऑब्जर्वर, उसकी लाइन हम इसी के पैरेलल शो करते हैं। सो इस लाइन के पैरेलल, इंसिडेंट बीम के पैरेलल ही हम यदि इस तरह से शो करते हैं, दिस इज लाइन ऑफ रेफरेंस, तो हम क्या देख रहे हैं, इस लाइन ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख में, से आई इज हेयर, तो आई में रेड कलर और वायलेट कलर दोनों साइमल्टेनियसली एंटर कर रहे हैं। एंड एंगल मेड बाय दिस वायलेट लाइट विद द रेफरेंस लाइन इज से 40 डिग्री, एंड एंगल मेड बाय रेड लाइट विद दिस रेफरेंस लाइन इज 42 डिग्री। तो ये जो रेनबो बना, ये जो कॉनिकल सेक्शन से बन रहा है, यही रेनबो है। जब आप एक पॉइंट से देखेंगे तो आपको वो एक सर्कल दिख रहा है, राइट। लेकिन आप यदि ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो ग्राउंड लेवल पे आपको जो रेनबो दिखेगा वो पूरा सर्कल नहीं दिख सकता, वो आपको एक सेमी सर्कल सा दिखेगा, उससे भी कम। हाँ, आप किसी एलिवेटेड पॉइंट पे हैं, आप किसी से एरोप्लेन में हैं, हेलीकॉप्टर में हैं, तो वहां हाइट से आपको पूरा सर्कुलर रेनबो भी दिख सकता है। सो दिस इज हाउ प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड। तो आपने क्या देखा, प्राइमरी रेनबो में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, यहां टी आई आर हुआ, और यहां फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, साथ में डिस्पर्शन तो चल ही रहा है इस पॉइंट से, तो रिफ्लेक्शन हुआ, टी आई आर हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ। सेम प्रोसेस सेकंड ड्रॉप में साइमल्टेनियसली चला हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां टी आई आर हुआ और यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। तो एक ड्रॉप से रेड कलर और दूसरी से वायलेट कलर आपकी आंख में पहुंच रहा है, एंड दिस इज हाउ द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी रेनबो में वायलेट कलर इंटीरियर में है और रेड एक्सटीरियर में है, तो प्राइमरी रेनबो में दिस इज से वायलेट एंड दिस इज से रेड, तो आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो ऑर्डर है ये विबग्योर उसी तरह से जैसा आपने प्रिज्म में देखा था, विबग्योर रेड ऊपर और वायलेट नीचे। लेकिन यदि ऑर्डर इनका रिवर्स हो जाए, दैट मीन एक टी आई आर यहां पर एक्स्ट्रा हो जाए, तो रेनबो का नाम प्राइमरी से हटके सेकेंडरी बन जाएगा और उसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, उसमें वायलेट कलर ऊपर आ जाएगा और रेड कलर नीचे आ जाएगा, विबग्योर प्रॉपर जो विबग्योर पैटर्न में ही आएगा, ये दिस इज द सेकेंडरी रेनबो। लेकिन यहां पर एक टी आई आर एक्स्ट्रा होगा, आप इसको भी सिंपल डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। तो सेकेंडरी रेनबो में जो फिजिक्स इन्वॉल्व है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आपको प्राइमरी रेनबो समझ आ गया है तो सेकेंडरी रेनबो को भी आपके लिए समझना काफी आसान काम हो जाएगा। पहले तो मैं सेकेंडरी रेनबो को एक सिंगल ड्रॉप की हेल्प से दिखाता हूं कि असल में यहां पर डिफरेंट ऑप्टिक्स के प्रोसेसेस हो कैसे रहे हैं। ये ड्रॉप है, थोड़ा बड़ा डायग्राम शो कर रहा हूं। हमने क्या किया था, प्राइमरी रेनबो में हम कुछ यहां जैसे हमने शो किया था रे को, यहां पे हम रे को यहां शो कर रहे हैं, राइट। उससे क्या हो रहा, देखिए यहां से जब व्हाइट लाइट जा रही है, रिफ्लेक्शन होगा, डेविएशन भी होगा, तो दिस इज वन एंड दिस इज अदर। कौन कौन सा कलर आप जानते हैं, जिसका डेविएशन कम हुआ वो रेड है, जिसका डेविएशन ज्यादा हुआ वो वायलेट है, एग्री। दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहां पे टी आई आर होगा,
तो टी आई आर के लिए हम कहेंगे कि ये इधर और ये इधर, राइट। तो अब कलर कौन कौन से हैं, ये रेड चला हुआ है, दिस इज रेड एंड दिस इज अवर वायलेट कलर। और जब सेकेंड टी आई आर होगा तो देखिये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो ये कुछ यहां पहुंचेगी और ये रे यहां पहुंच जाएगी, एंड फाइनली जब रिफ्लेक्शन होगा तो इट विल गो अवे, तो इधर और ये कुछ इधर। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये हुआ वायलेट और ये हुआ रेड, राइट। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इन द सेकेंडरी रेनबो। पहले यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ ही यहां पर पता है आपको डिस्पर्शन भी हो रहा है, और डिस्पर्शन के बाद यहां पर एक बार टी आई आर, एक बार और टी आई आर, यहां पर टू टाइम्स टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। फाइनली यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो को भी आप जैसे पिछले केस में शो किया, वहां पर भी आप इसको दो ड्रॉप्स की हेल्प से दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात, यहां पर हम यदि इंसिडेंट लाइट के पैरेलल में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, सो एंगल एट विच रेड इज रिसीव्ड इज 50 डिग्री एंड एंगल एट विच वायलेट इज रिसीव्ड एट योर आई 53 डिग्री। सो दो ड्रॉप्स की हेल्प से भी इसको कैसे दिखाना है आप जानते हैं इस बात को, ये फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप। तो मैं फर्स्ट ड्रॉप को यहां लेकर आऊंगा और यहां 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 और यहां, राइट। तो यहां पर मैं दो ड्रॉप शो कर रहा हूं एंड वी नो दिस इज अवर वायलेट एंड दिस इज रेड। साथ में एरो को शो कर दीजिएगा, एरो आपकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि रे कहां कहां से आई। और अब सेकेंड ड्रॉप के लिए भी हम इसी के पैरेलल एक लाइन और लेकर आएंगे, दिस इज अनदर लाइट, लाइट तो पहले आ रही है और इसका भी सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होते हुए ये भी कुछ इस तरह से आ जाएंगी एंड दिस इज अगेन वायलेट एंड दिस इज रेड। आपकी आई में ये वायलेट और ये रेड कलर, ये दोनों यहां पर, दिस इज योर आई। सो दिस रेड इज बीइंग रिसीव्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड वायलेट इज बीइंग रिसीव्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। और यहां पर वायलेट है और यहां पर रेड है, तो जो कॉनिकल सेक्शन बन रहा है यहां से आप जो रेनबो देख रहे हैं दैट इज सेकेंडरी रेनबो। यहाँ वायलेट ऊपर है और यहाँ रेड नीचे है, तो वायलेट यहाँ ऊपर रहेगा और रेड यहाँ पर नीचे होगा। दिस इज ऑल द फिजिक्स ऑफ सेकेंडरी रेनबो। आज हमने शुरुआत की थी स्कैटरिंग से, वहां पे हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ते हुए डिफरेंट नेचर के प्रोसेसेस को डिस्कस किया एंड फाइनली हमने रेनबो की बात की। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, आज हमने बात की स्कैटरिंग की और रेनबोज की। आई होप आइडिया इज क्लियर टू यू। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Please take care.